भारतीय खेल प्राधिकरण के खिलाड़ियों की फिटनेस में निखार लाने में वाट वाइक प्रो अहम भूमिका अदा करेगी। यह वाट बाइक भारतीय खेल प्राधिकरण सोनीपत की तरफ से उपलब्ध कराई गई। इस वाट बाइक पर स्थायी प्रशासन की तरफ से 4,72,000 रुपये का बजट खर्च किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण के कुरुक्षेत्र में शाखा में वाट बाइक को प्रस्थापित की गई है। इस वाट बाइक का लोकार्पण स्थायी प्रभारी कुलदीप सिंह वैडच ने किया। इस दौरान स्थायी प्रभारी कुलदीप सिंह वैडच, पूर्व प्रभारी गुरविंदर सिंह, सीनियर कोच सतपाल सिंह, राहुल सांगवान, राजट छुभद्र कौर, सोहन लाल ने वाट बाइक प्रो पर प्रशिक्षण भी किया। इस वाट बाइक प्रो पर अब साई शाखा कुरुक्षेत्र के आवासीय खिलाड़ी से गृह अभ्यास शुरू करेंगे। साई प्रभारी कुलदीप सिंह वैडच ने साई के क्षेत्रीय निदेशक ललिता शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि साई प्रशासन सोनीपत की तरफ से खिलाड़ी की फिटनेस में निखार लाने के लिए आधुनिक सुविधाओं को संपन्न वाट बाइक प्रो उपलब्ध कराई है। इस आधुनिक बाइक पर खिलाड़ी की आंतरिक फिटनेस के बारे में जानकारी मिल पाएगी, इससे खिलाड़ियों को फायदा होगा। ऐसे सैकड़ों लोग आम आदमी पार्टी के अंदर शाहबाद की धरती पर, बाबा मार्कंडेश्वर धरती पर शामिल हुए, मैं उनका बहुत बहुत पार्टी के अंदर स्वागत करता हूं और उनका वेलकम करता हूं और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, उनका मान सम्मान पूरा होगा आम आदमी पार्टी के अंदर। आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं है, पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है, आंदोलन से उठी हुई पार्टी, एक जन आंदोलन है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन 2012 में अन्ना मूवमेंट जैसे चली थी दिल्ली के अंदर, भ्रष्टाचार के ऊपर एक आंदोलन खड़ा किया। ये आंदोलन से खड़े हुए क्रांतिकारी लोग हैं, वो ये क्रांतिकारियों की पार्टी है, क्रांतिकारियों ने देश आजाद कराया था, अब दोबारा फिर एक क्रांति होगी भ्रष्टाचार के विरुद्ध, महंगाई के विरुद्ध और गलत राजनीति के विरुद्ध, जिसमें अच्छे लोग चुन के आएंगे इस पार्टी के अंदर और आम आदमी ही चुन के आएंगे जो कि सरकार बनाएंगे। कि ये मगरमच्छ हैं जो राजनीतिक लोग हैं जिनके बच्चे हमारे ऊपर तोपे जाएंगे। आम आदमी भी विधानसभा में जा सकता है, लोकसभा में जा सकता है, राज्यसभा में जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ना जो मिडिल क्लास को एक आम आदमी को ही है। आम आदमी अपने हक के दायरे में रहकर कानून बना सकता है।